अब इस सवाल को देखिए, 144 मीटर लंबे एक आयत का क्षेत्रफल 84 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत की चौड़ाई क्या है? तो हम जरा समझ लेते हैं यार, आयत की क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। अब इसका एक भुजा तो देखो 144 मीटर लंबे आयत, चौड़ाई नहीं बोला हुआ है, तो और दूसरा क्या है, 84 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वही लंबाई गुने चौड़ाई, लेकिन वर्ग में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई बराबर होता है। तो अगर इस भुजा की k लंबाई है तो ये चौड़ाई भी k होगी, तो इसका क्षेत्रफल k गुना गुना k स्क्वायर होगा। अब सीधी सी बात है यार, क्षेत्रफल से अगर एक भुजा को भागा दोगे तो दूसरी भुजा निकल जाएगी, इसमें कोई लंबी चौड़ी हिसाब करने की जरूरत ही नहीं होती है। तो हमने 12 से चलो 7 बारंग 84 हमें तो दिखता है, हमने काट दिया, और 12 से 144 काटेंगे तो 12 होगा, फिर इस 12 को हम 84 से काटेंगे तो 7 होगा, फिर 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49 होगा, तो आंसर 49 होगा। ये तो समझाने के लिए किए हुए थे, दिमाग में रखने के लिए। अब जरा दूसरा है, देखिए ये थोड़ा सा फॉर्मूला क्या है कि छोटा हो जाता है, मतलब क्या होता है, दिमाग के ऊपर चढ़ता नहीं है। एक वर्ग की भुजा को 25% बढ़ाया गया, मतलब ये वर्ग है इसकी 25% बढ़ा दिया गया, तो इसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगा। अब वर्ग की भुजा है मतलब भैया ये भी भुजा है, ये भी भुजा है ना, इसमें भी 25% बढ़ाओगे तो इसमें भी 25% ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि वर्ग है, वर्ग की दोनों भुजाएं बराबर होता है। अब देखो तो दोनों तरफ प्रतिशत बढ़ रहे हैं, तो अगर जब प्रतिशत बढ़ता है तो उसका फॉर्मूला क्या है, प्रतिशत प्लस प्रतिशत प्लस प्रतिशत गुने प्रतिशत बटे 100। फिर से बोलता हूं, प्रतिशत प्लस प्रतिशत प्लस प्रतिशत गुने प्रतिशत बटे 100। अब भैया प्रतिशत कितना बढ़ा, 25, तो 25 प्लस 25 क्यों, प्रतिशत प्लस प्रतिशत है, फिर प्लस देखो, फिर 25 गुना 25 क्यों हुआ भैया, ये इसलिए हुआ कि ये फॉर्मूला है प्रतिशत गुना प्रतिशत बटे 100। तो 25 को 25 से गुना करोगे तो 625 होगा, 625 बटे 100 होगा मतलब 6.25, जोड़ दिया 56.25, तो ये इसका आंसर हुआ। तो हम जानते हैं कि जब कोई चीज आपस में गुना होता है, ठीक है ना, आपस में गुना होता है तो उसमें अगर प्रतिशत की वृद्धि होती है तो उसके लिए ये फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये बहुत ही पुराना है, मैं क्या हर कोई इसको इस्तेमाल करता है, इसे आप भी थोड़ा याद कर लेंगे, यही यूज होता है और ये काफी ही क्या निर्दोष है, इसे थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ता है तो तैयारी हो जाती है। अब जरा इस सवाल को देखें, एक सामान को एक निर्दिष्ट मूल्य पे बेचने पर एक व्यक्ति को 10% लाभ हुआ, मतलब क्या मामला क्या है भैया, सपोज 100 रुपये का माल बेचा गया था, 10 रुपया लाभ हुआ, 10% मतलब खरीद दाम कितना था, 90 रुपया था, मतलब एक आदमी, या समझ लो कि 10% लाभ होता है तो व्यक्ति ने 90 रुपये में खरीदा था, 100 रुपये में बेचा था, तभी तो 10 रुपया फायदा हुआ था। देखो मैंने इसमें थोड़ी सी गलती कर दी है यार, इसे 90 रुपये नहीं थे, इसको मैं अलग से करता हूं, सपोज कि 100 रुपये का कोई माल था, 10% लाभ हुआ तो 10 रुपया जुड़ेगा, तो क्या होगा, 110 रुपये, ठीक है ना। अब 110 रुपये में सामान का दाम कितना था, 100 रुपया था, अब बोलता है उस सामान को दुगुने मूल्य पे बेचने पर, अब 110 को वो दुगुने में बेचेगा तो दुगुना चलो कर दिया तो कितना हो गया, 220 रुपया हो गया। अब 220 रुपये में उसका खरीद दाम कितना था, 100 रुपया था, तो हमने 100 रुपया घटा दिया तो बच गया कितना, 120 रुपये की फायदा हुआ।
अब 120 रुपए की फायदा कितने के ऊपर हुआ, 100 रुपए के ऊपर हुआ, तो आराम से प्रॉफिट आपकी 120% हुई। ठीक है ना, ये गलत है दोस्त, ये टाइपिस्ट महाराज ने किया, फिर मेरे को दिख गया इसलिए मैंने इसको टाइप काट दिया। फिर से इसको मैं दोहरा देता हूं कि बोलता है कि एक सामान को निर्दिष्ट मूल्य पे बेचने पर एक व्यक्ति को 10% लाभ होता है। तो सपोज वह आदमी ने 100 रुपये में माल खरीदा था, 10% लाभ कमाने के लिए 10 रुपया उसमें वो जोड़ेगा, 110 रुपये में बेचेगा। आदमी बड़ा लालची, एक माल बिक गया तो बोला कि दूसरे को अब चलो दुगुने में बेचता हूं, तो 110 को उसने 2 से गुना कर दिया, बोला कि 220 रुपया लाभ भैया। लेकिन वो सामान तो उसने 100 रुपये में खरीदा था ना, तो 220 से 100 रुपया घटाया तो 120 रुपया फायदा हुआ। अब 120 रुपया फायदा किसके ऊपर हुआ, 100 रुपये के ऊपर। तो 100 रुपये के अगर ऊपर जितना फायदा होता उसको प्रतिशत में बोला जाता है। देखो, क्योंकि देखो 100 रुपये में जब 10 रुपये का फायदा हुआ तो उसको 10% बोला था, 100 रुपये में अगर 120 रुपये का फायदा होगा तो उसे हम 120% का फायदा बोलेंगे, तो नेचुरली इसको हम ऐसे टिक मारेंगे। तो आशा करता हूं कि चीजें आपको सही लगा होगा। चलिए आप नेक्स्ट कुछ मैथ करते हैं।